Today, we are going to discuss the basics of congestive heart failure. Now, starting with the three-line definition of CHF. ठीक है, मैंने क्या कहा? Three-line definition of CHF. अभी मैं definition को तीन lines में यहाँ पे हमने divide किया है. Now, first of all, let me read out the complete statement and then we will split it. Heart failure is a complex clinical syndrome that results from any structural or functional disorder then impairing the ventricular filling process or the ventricular ejection fraction. ये थी इसकी complete definition. Now, let me cut this into the three lines. पहली line क्या है? Heart failure is a complex clinical syndrome. ये आपको disease के बारे में indicate करता है. Which we are going to discuss it in the ending part of today's lecture. अभी उसके बाद में, why this happens means ये कैसे होता है? That results from any structural or functional disorder. Now the last part. और इसके वजह से होता क्या है? It impairs the ventricular filling process or the ventricular ejection fraction. तीन हिस्सों में हमने इस section को divide किया. Now let me consider this part. जब हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं हार्ट में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द सेंस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और द इंजरी एसोसिएटेड विद द सेल्स और द लेयर्स और एंटायर वेंट्रिकल और द वेदर इट इज राइट वेंट्रिकल और द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट पार्ट ऑफ द हार्ट. जब स्ट्रक्चरल हिस्से को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसके वजह से हार्ट फेलियर रिजल्ट आ रहा है, that will be considered as a here the मतलब उसका कॉज क्या आएगा? स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर. और जब हम फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करते हैं, whether it is right ventricular ejection efficiency और right ventricular की efficiency compromise हो रही है, तो उसका बेस क्या रहता है? the functional disorder. और whether it is structural problem or functional problem, इसका end कहाँ पे होता है? impairing the ventricular either filling process या फिर ejection fraction. और ये इसका मोस्ट कॉमन एंड पॉइंट रहता है कि जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, वो रिड्यूस होता है. तो ये थी एक नॉर्मल डेफिनेशन. नाउ इन द टुडेज लेक्चर हम एंड में सीएचएफ की इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और इट्स बायोकेमिस्ट्री, ये हिस्से को हम टारगेट करेंगे. बट नाउ डेफिनेशन में यहाँ पे दिया था कि ये रिजल्ट क्यों हो रहा है, मतलब हो क्यों रहा है, एदर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर. अभी हार्ट के स्ट्रक्चर के बेसिक्स. नाउ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूअर, इट कुड बी ड्यू टू द स्ट्रक्चरल और द फंक्शनल डिसऑर्डर, ये इसका रीजन होता है. नाउ जब मुझे बेसिक्स पे टारगेट करना है, यानी पैथोलॉजी और द एनाटॉमी सेक्शन, हार्ट फेल्यूअर क्यों हो रहा है ड्यू टू द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर. जब स्ट्रक्चर की बात करनी है तो हमने एंजाइना पेक्टोरिस में स्ट्रक्चरल पार्ट्स जो होते हैं, ये सर्कुलेशन, उसको हमने डिस्कस किया है. यू कैन स्टडी दैट पार्ट देयर आल्सो. बट व्हेन वी आर कंसीडरिंग द फंक्शनल पार्ट, और जो फंक्शनल बेसिक्स है हार्ट के, वो हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ट? द रोल ऑफ हार्ट इज टू सप्लाई द ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एज वेल एज द कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वस्ट. So what was the definition of CHF? Heart failure is a complex clinical syndrome that results from any structural or functional disorder and that impairing the ventricular filling or ejection fraction. ये इसका definition था जिसे हमने overlook किया. But हो क्यों रहा है ये सब problem? Because of structural or functional disorder. तो जब हमें basics को target करना है तो दो हिस्सों पे करना पड़ेगा, एक structural parts पे और एक functional हिस्से पे. अभी स्ट्रक्चरल बेसिक्स जो है हर्ट के, वो हमने एंजाइना पेक्टोरिस के वक्त डिस्कस किए. सो टुडेज आवर फोकस विल बी ऑन द फंक्शनल बेसिक्स ऑफ हार्ट. अभी जब हमें मुझे फंक्शनल बेसिक्स डिस्कस करने, तो मुझे कुछ छोटा क्वेश्चन आपको पूछना है कि व्हाट इज द रोल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. हमारा आंसर ये रहेगा, टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड टू कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटेरियल. ये एक सिंपल इजी वाला रोल है, ठीक है. नाउ हमारा आज का जो चैप्टर है वो है CHF, whether it is a congestive heart failure और cardiac arrhythmia. ये दोनों भी चैप्टर स्टडी करते वक्त एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट या एस्पेक्ट है हार्ट के वर्किंग का, जो डिस्कस करना पड़ता है, वो है एक्शन पोटेंशियल.
मीन्स आपको एक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छे से पढ़ना होगा सीएचएफ समझ के लेने के लिए और एरिथमिया आल्सो। बट इन केस ऑफ सीएचएफ द फोकस ऑफ एक्शन पोटेंशियल विल बी ऑन द आयनिक ट्रांसपोर्ट वर्क और इन केस ऑफ एरिथमिया इट विल बी ऑन द योर वोल्टेज थिंग। ठीक है, अभी ये हमें समझ में आएगा आगे चलते। सो स्टार्टिंग विद द एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट। अभी एक्शन पोटेंशियल है क्या, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट द प्रेजेंटिंग दिस डेफिनेशन और द एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप ये बेसिक समझ लो पहले है क्या, बाकी इसका आप थियोरी वर्क एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल इज हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड सिक्वेंशियल आयनिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑकर्स विच ऑकर्स अक्रॉस द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ में आया? सबसे पहले ये एक आयोनिक ट्रांसपोर्ट है और ये कैसा है, काफी सिक्वेंशियल और कोऑर्डिनेटेड है। सिक्वेंशियल मीन्स पहले सोडियम है तो सोडियम ही आएगा, देन कैल्शियम ही आएगा, देन पोटेशियम ही आएगा। ठीक है, और इनके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में नेक्स्ट एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड रहती है और ये काफी सिक्वेंशियल भी रहता है। ठीक है, कि ये गेट इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होगा, बाद में उतना वोल्टेज होने के बाद में सेम गेट क्लोज हो जाएगा, एट द सेम टाइम अनदर गेट विल ओपन। ठीक है, एक सीक्वेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, और ये हो कहाँ पे रहा है? अक्रॉस द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। अभी मैं इसे इजी करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ, ठीक है, बट ये काफी एक जेनेरिक नॉलेज हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड यूज करता हूँ तो। इट विल बी वेरी मच बेटर और मोर देन बेटर इफ यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। सार्कोलेमल मेम्ब्रेन को आप एट द प्रेजेंट मोमेंट अभी के लिए बस इतना कंसिडर करो कि मसल फाइबर पे एक लेयर रहता है। ठीक है, दैट इज द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, यानी एक सेल वॉल की जैसे आप कंसिडर कर सकते हो, उसके अक्रॉस आयनिक ट्रांसपोर्ट होता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एक्शन पोटेंशियल के बारे में, आयोनिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ सेकंड थिंग इन एक्शन पोटेंशियल, इसके वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड। ठीक है, जब एक आयन आएंगे, ठीक है, पोटेंशियल वैल्यूज विल गेट चेंज्ड और वो एक इलेक्ट्रिकल करंट शूट करेगा। नाउ दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल और द लोकल करंट विल फ्लो रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली ओवर द अदर सेल्स। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले आयनिक ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, उसके वजह से उसके बाद में क्या हुआ, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या लोकल करंट जनरेट हुआ वो आगे फ्लो होता है वेरी रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली ओवर द अदर सेल्स। यहाँ तक समझ में आया? अब जब मैंने यहाँ पे कहा था कि सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी हर्ट सेल की एक लेयर रहता है, ये एक हर्ट सेल, इधर एक हर्ट सेल या मायोसाइट मायोसाइट मायोसाइट, जब करंट आगे आपको फ्लो करना है तो इनमें कनेक्शन होने चाहिए। ठीक है, फ्लो रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली ओवर द अदर सेल, तो उस वक्त ये चीज होने के लिए आपको चाहिए होते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, इन बिटवीन टू डिफरेंट मायोसाइट देर आर गैप जंक्शन प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ विच दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इट फ्लोज यूनिफॉर्मली एंड रैपिडली ओवर द अदर सेल्स। सो ये था बेसिक रिगार्डिंग द एक्शन पोटेंशियल। अभी यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है आपको बोर्ड पे कि एक्शन पोटेंशियल मतलब ये डायग्राम रहती है, कुछ एक्स वाई जेड चैनल्स आएंगे, ठीक है, बट ये काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक्शन पोटेंशियल की। नाउ वो डायग्राम, ठीक है, जो हम लगभग पिछले 10 साल से स्टडी कर रहे हैं, आई डोंट नो आपको कौन से स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम आती है, बट इसे अगर समझ के लेना है तो आपको ये जो टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे इनको अच्छे से समझ के लेना होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ये तीन डिब्बे जो है, ये तीन सेल्स जो है, ये अभी रेस्ट कर रहे हैं, दे आर नेदर डूइंग रिलैक्सेशन नेदर डूइंग कॉन्ट्रेक्शन, तो ये इनकी रेस्टिंग स्टेज है। तो रेस्टिंग स्टेज में इनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, ठीक है, अभी मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके वजह से एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग, मैं अभी कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, तो जो एक सर्फेस पे पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रहता है दैट इज अराउंड -90 to -120 mV, ये वेरिएबल रहता है, ऐसी कोई कुछ इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, बट फिर भी आप एवरेज -90 mV कंसिडर कर सकते हो।
दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाउ इसके बाद में जो अगली टर्म आपको समझ के लेनी है वो है डीपोलराइजेशन। अभी मैं आगे टर्म आगे जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना था -90 mV, मीन्स सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, हाईली नेगेटिव, ठीक है, एज कम्पेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट कितने भी वोल्ट पे रहने दो बट ये तो काफी नेगेटिव है, मीन्स काफी एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है। पोलराइज्ड मीन्स साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये अगर मिक्स हो, ये इसको जितना आप सेपरेट करोगे उसे बोलोगे आप पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम नेगेटिव साइड है, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव साइड है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोलराइजेशन। तो जब पहली टर्म आती है वो है डीपोलराइजेशन, जब हम इसे आयनिक मतलब सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक न्यूट्रल पॉइंट की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, म्हणजे निगेटिव कडून न्यूट्रल कडे नेणे। अभी मैं इसे थोड़ा सा आपके पीएच के टर्मिनोलॉजी में बताने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारे पास एक बीकर कंसिडर करो जिसका पीएच वैल्यू था 12, ठीक है। अभी 12 से अगर मैं 7 की तरफ उसे लेके जा रहा हूँ तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। वैसे ही पीएच अगर 1 या 2 होगा और उसको अगर हम 7 की तरफ लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, मीन्स वो एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है। तो वैसे ही पोल्स या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डीपोलराइजेशन एक वर्ड आएगा। अगर हमारे पास काफी सारे निगेटिव आयन है और हम कहीं ना कहीं 0 mV पे लेके जाने की कोशिश कर रहे तो उसको बोलेंगे हम डीपोलराइजेशन। सो ये वर्ड था यहाँ पे डीपोलराइजेशन। जब हमें डीपोलराइजेशन वर्ड यहाँ पे अप्लाई करना है या फिर यूज करना है, नाउ व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस डीपोलराइजेशन ओवर दिस डायग्राम, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन में कब अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं जीरो साइड की तरफ पुश कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई होता है डीपोलराइजेशन। अब ये फास्ट या रैपिड डीपोलराइजेशन एक वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम में हो रहा है, हार्डली इन दिस सेगमेंट दिस एंटायर पोटेंशियल वैल्यू इज गेटिंग चेंज, तो इसलिए रैपिड डीपोलराइजेशन टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आप अभी आप रैपिड डीपोलराइजेशन भी समझ सकते हो और स्लो डीपोलराइजेशन भी समझ सकते हो, बट इस दोनों भी चीजें रैपिड डीपोलराइजेशन और स्लो डीपोलराइजेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करती आनी चाहिए। जब मेरा ये जो हाथ है, मीन्स ये जो मूविंग वैल्यू, इफ इट इज मतलब एक कम हिस्से में अगर ये वैल्यू रीच करता है तो दैट विल बी रैपिड डीपोलराइजेशन। अगर इंस्टेड ऑफ एट दिस पॉइंट इफ टू अचीव दिस वैल्यू, अगर यहाँ तक का टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ तक का अगर ये एक्सिस ऐसे जाता है तो दैट विल बी टर्न्ड एज स्लो डीपोलराइजेशन। ये टाइम का एक्सिस है, जितना कम टाइम यूज किया ये वैल्यू रीच करने के लिए उसे हम कहेंगे रैपिड डीपोलराइजेशन। इफ टू रीच दिस पॉइंट वी आर यूजिंग ये जो टाइम की वैल्यू आएंगी वो अगर यूज करते हैं तो उसे कहेंगे स्लो डीपोलराइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो और वी कैन कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग ऑल्सो। So I hope we had discussed the rapid depolarization term only. Now, depolarization के बाद में आता है word repolarization, यानी फिर से मेरे को separate करने का है सब, positive वाले सब cell के बाहर फेंकने के, negative वाले सब cell के अंदर push करने के। तो फिर से इधर positive pole बनेगा, इधर negative pole बनेगा, तो वो activity जो रहेगी उसे कहेंगे repolarization, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक जीरो वैल्यू के अराउंड रेंज में आपका पोटेंशियल वैल्यू, लेकिन आप फिर से उसे नेगेटिव की तरफ पुश कर रहे हो, मींस क्या कर रहे हो, दैट इज द रिपोलराइजेशन, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। बट अभी ये हिस्से को देखो आप, कितने कम टाइम में हुआ, बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस इट इज टेकिंग समवेयर मोर टाइम एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये जो रिपोलराइजेशन है इसे हम इसलिए स्लो रिपोलराइजेशन कहते हैं क्योंकि ये स्लोली होता है और इट टेक्स मोर टाइम। इफ अगर सेम एक्टिविटी कम टाइम में हो रही है, ठीक है, ये अगर थोड़ा सा स्लो, इसका एंगल जो ये कम हो जाता है और द स्लोप, दैट विल बी द रैपिड रिपोलराइजेशन। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों भी वर्डिंग रैपिड स्लो ये आपको इसी चैप्टर में अप्लाई करनी है ओवर दिस डायग्राम, ठीक है।
ये पार्ट समझ के लेना इम्पोर्टेंट है। नाउ उसके बाद में आता है हाइपर पोलराइजेशन। अभी सबसे पहले तो पोलराइजेशन मतलब क्या था, पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड, इस मतलब मीन्स माइनस 50 और माइनस 60 मिलीवोल्ट, ठीक है, यहां तक अगर कुछ होता होगा माइनस 50 और माइनस 60, दैट विल बी पोलराइजेशन। ओके, इसके बाद में भी अगर वो होए जा रहा है तो दैट विल बी द हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद में ही हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू रीच होती है। तो ये तीनों भी टर्मिनोलॉजी का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया होगा। एक प्लेटिव वर्ड है, प्लेटिव यानी कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो उसे प्लेटिव बोलते हैं, मतलब प्लेटिव फेज जिसे कहा जाता है। मेरा एम यहाँ पे ये सब बताने का, एक्शन पोटेंशियल एक्सप्लेन करने का नहीं है, इनका मीनिंग जो है वर्ड का पहले वो समझ लो, ये वर्ड क्या इंडिकेट करते हो। आपको एक बार इनका मीनिंग समझ में आया तो यू कैन इजीली अप्लाई दैट पार्ट ओवर हियर आल्सो, ठीक है। सो ये थे कुछ टर्म्स। नाउ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल डायग्राम, ठीक है। पोटेंशियल वैल्यूज को हमने एक ग्राफ पे प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वोल्टेज वैल्यूज। नाउ एक्शन पोटेंशियल क्या था, आयोनिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अक्रॉस द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। उसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो यूनिफॉर्मली और रैपिडली पूरे हिस्से पे स्प्रेड होता है, इट्स ओके। फिर उसके बाद में हमने टर्म्स डिस्कस किए। अभी सबसे पहली बात, ये एक्शन पोटेंशियल मींस सबसे पहले ट्रिगर कहां से होता है, फ्रॉम वेयर दिस करंट इज जनरेटेड, इसका ओरिजिन, सो दैट विल बी ओवर द पेसमेकर सेल्स मींस एसए नोड, ठीक है। एसए नोड का लोकेशन आपको पता है, देन एसए नोडल सेल्स के बारे में अगर और थोड़ा बताना हुआ तो इन कंपैरिजन टू अदर मायोसाइट्स, ठीक है, ऑल मतलब हर ऑल मायोसाइट्स आर एक्साइटेबल, ठीक है। जनरली सभी सेल्स एक्साइटेबल होती है, मीन्स वो माइनस 90 टू माइनस 60 तक जा सकते हैं, ठीक है, ये एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी रहती है, या माइनस 54 तक या माइनस 40 तक, ऐसे पकड़ के चलो, मीन्स दे आर ऑल एक्साइटेबल, बट ओनली सम सेल्स पजेस द एबिलिटी टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वैल्यू, मीन्स ये जो इंक्रीज होने वाला पोटेंशियल वैल्यू या फिर चेंज होने वाली पोटेंशियल वैल्यू है, इसे मीन्स कंसिडरेबल जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है वहां तक कौन लेके जा सकता है, ओनली द पेसमेकर सेल्स, एंड दैट्स व्हाई दे पजेस एबिलिटी टू जनरेट दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि वो इतना पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं कि जिस वो थ्रेशोल्ड वैल्यू भी क्रॉस कर लेंगे खुद के खुद, दे डोंट नीड एनी अदर सेल और अदर एक्टिविटी, ठीक है। सो ये हुआ पेसमेकर सेल का बेसिक फंडामेंटल रोल। नाउ मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ऑल सेल्स आर एक्साइटेबल, अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं। अगर ऐसे नोड इम्पल्स नहीं भेज रहा है, सपोज समवेयर ये इसके इम्पल्स स्लो हो रहे या उतने इंटेंसिटी के पोटेंशियल वैल्यूज नहीं मिल रहे, उसके बाद में क्या होता है, जो अदर एक्साइटेबल सेल्स है, ठीक है, वो डोमिनेट करने लगती है, एंड दे एट देयर ओन कॉस्ट, मतलब वो खुद के लेवल पे एक इम्पल्स जनरेट करते हैं और उसे आगे स्प्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ऐसे नोड के इम्पल्स आ रहे थे तो उनको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा था, या फिर कहे कि उनका पोटेंशियल थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट अभी अगर आप ऐसे नोड को सप्रेस करते हो तो ये उभर के आएंगे फॉर द इम्पल्स जनरेशन, ठीक है, द अदर जो एक्साइटेबल सेल्स है, ठीक है, और ये कॉज रहता है इन केस ऑफ एरिथमिया, वेयर द इक्टोपिक मतलब ये जो रहते इम्पल्सेस वो जनरेट होने लगते हैं, ठीक है। नाउ पेसमेकर सेल्स जो इम्पल्स जनरेट करते हैं हमारे, ठीक है, दिस आर एक्साइटेबल एंड एबल टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वैल्यू। उसके आगे एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू, ये वेरिएबल रहती है फॉर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स, हर एक के लिए वेरिएबल रहती है। इन केस ऑफ हार्ट फॉर द पेसमेकर सेल्स मीन्स एसए नोडल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू समवेयर लाइज अराउंड द माइनस 60, ठीक है, इनका नेचुरली माइनस 60 तक रहता है, तो इन्हें थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी बाकी सेल्स को करनी पड़ती है। सो एक बेसिक डिफरेंस भी, या फिर कहे कि नेचुरल एडवांटेज रहता है एसए नोडल सेल्स की तरफ, ओके, क्योंकि उनका आरएमपी
इतना निगेटिव नहीं जाता क्योंकि उन्हें फिर से एक्टिव होना है, इनको रेस्ट भी करना है बाकी सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे जो ये हिस्सा है इनका रेस्टिंग टाइम है। ऐसे नोड के केस में वैसे कुछ नहीं होता, एक इम्पल्स शूट किया इमीडिएटली दूसरा शुरू हो जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल डायग्राम फॉर ऐसे नोडल सेल विल बी डिफरेंट, ये नॉर्मल सेल्स के लिए, और इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू अलग रहेगा। -60 mV इन सम बुक इट इज गिवन एज द -54 mV। इसके बाद में ऐसे नोड का लोकेशन आपको पता है एट्रियस में है, ओके। नाउ कंडक्शन पाथवे फ्रॉम द ऐसे नोड, ठीक है, जो राइट एट्रियम में है, ठीक है, वहां से आगे इंपल्स पुश होगा टू द एवी नोड देन बंडल ऑफ हिज, और वहां से आगे मायोसाइट्स में स्प्रेड होगा, ठीक है, दैट इज देयर कंडक्शन पाथवे। नाउ मैंने कहा कि ऐसे नोड कंटिन्यूअसली इंपल्स जनरेट करता है, मींस दे विल हैव सर्टेन रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन, ठीक है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, हाउ दैट रेट इज डिपेंडेंट, मतलब किस कौन से फैक्टर्स पे उनका इंपल्स जनरेशन का स्पीड डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन देयर स्लोप ऑफ फेज थ्री, ठीक है। मीन्स अभी ऐसा कंसिडर करो कि ऐसे नोडल सेल का एक्शन पोटेंशियल डायग्राम है सपोज, तो ये स्लोप मीन्स ये कितना टाइम ले रहा है फेज थ्री फेज फोर, उसके वजह से जो एक स्लोप मिलेगा तो उसका वैल्यू क्या है और कितना नीचे जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। हाउ मच नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू इज गेटिंग रीच, इन दोनों चीजों पे ऐसे नोड का इंपल्स जनरेशन का स्पीड डिपेंड करता है। अभी थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, काफी स्पीड से हुआ। हमने पहले देखा एक्शन पोटेंशियल के टर्म्स और उसके बाद में देखा ऐसे नोडल की एक्टिविटी। These two are very essential in case of CHF also and in case of arrhythmia also. ठीक है, जब हम पीछे RA मतलब इससे पहले renin angiotensin system का chapter discuss कर रहे थे तो काफी बार CHF आ रहा था, और आज के lecture में CHF के साथ में arrhythmia नाम का chapter भी आ रहा है, so you can understand कि arrhythmia के काफी basics यहाँ पे exist कर रहे हैं। Now terms बताएं, pacemaker cells discuss किए, and now we'll move toward the action potential diagram. So till now we had discussed the action potential and its basics. Now we will shift toward the action potential diagram. Abhi action potential diagram सीखते वक्त और सिखाते वक्त कोई चीज अगर confuse करती है तो what are the different substrates of action potential diagram? अगर आप इनको लेके जाओगे तो there will be hardly 3 to 4, ठीक है, but और एक मेथड रहती है एक्शन पोटेंशियल डायग्राम को प्रेजेंट करने की, फेज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं इससे जाता हूँ तो आई विल गेट अ 4 फेजेस, ठीक है, बट इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन दिस मेथड, ये नंबरिंग की मेथड अगर मैं यूज करता हूँ तो फेज 0 नंबर 1, फेज 1 नंबर 2, 2 नंबर 3, 3 नंबर 4, और फेज 4 यानी 5th वन, कितने फेजेस हुए, 5 फेजेस, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन यू, आपको ये टर्मिनोलॉजीज के मेथड से जाना है या इन नंबरिंग वाले मेथड से जाना है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा क्योंकि ये एक्यूरेटली डिवाइड करता है पूरे एक्शन पोटेंशियल डायग्राम को। चलते हैं इसके तरफ। नाउ फेज 0, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। अभी रैपिड डीपोलराइजेशन क्या है आप इसे इमेजिन कर सकते हो, बट होता क्या है यहाँ पे, व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, ठीक है, अगर मैं एट द प्रेजेंट मोमेंट इस सेल को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इसके एक्शन पोटेंशियल डायग्राम वहां पे हमने ड्रॉ की है, ठीक है, और ये एक लंबा नेटवर्क है इन बिटवीन ऐसे नोड टू द दिस सेल अंडर कंसिडरेशन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेस इट्स पोटेंशियल वैल्यू स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है, ये एक बात हुई। एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ चेंज्ड पोटेंशियल ऑफ सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, ठीक है, पोटेंशियल चेंज होने की वजह से एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है, ये एक बात हुई। कौन से चैनल्स ओपन हुए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, यानी कि कौन से आयन का ट्रांसपोर्ट होगा, सोडियम आयन्स का। सो हियर सोडियम इनफ्लक्स ऑकर्स इन द फेज 0, आई एम राइटिंग हियर सोडियम इनफ्लक्स ऑकर्स। अभी एक शार्प इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट रहता है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है एज कंपेयर टू इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आल्सो, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आल्सो। तो हमने यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके प्रेजेंट किया है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ सोडियम, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इन दैट पोटेंशियल वैल्यूज रैपिड शूट होता है
of sodium ions through that channels, voltage gated sodium channel. और जितना पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन अंदर आएगा उतना जल्दी जल्दी से ये पोटेंशियल वैल्यू का ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा और ये बहुत कम टाइम में होता है, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रैपिड डीपोलराइजेशन. इतना समझ में आया? ओके, नाउ थोड़े से सांस लीजिए. सोडियम अंदर आ गया है, ठीक है, पोटेंशियल वैल्यू चेंज हुआ. इसके बाद में जब एक पीक हाइट रीच होती है पोटेंशियल वैल्यू की, ठीक है, एट द सेम टाइम पोटेंशियल वैल्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, विद द सोडियम इफ्लक्स. ये क्या था? इनफ्लक्स. हियर विद द वन द इफ्लक्स स्टार्ट्स. सोडियम बाहर जा रहा है, पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर जाएगी तो पोटेंशियल वैल्यू विल गो डाउन साइड, मीन्स टूअर्ड नेगेटिव साइड. अब ये पूरा नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी अराउंड 0 mV, ठीक है. सो ये जो डाउनफॉल आता है बिकॉज ऑफ द इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स. नाउ हियर एट द सेम टाइम समवेयर इन दिस सेगमेंट, ठीक है, इस रीजन में, टाइम लाइन के इस रीजन में होता क्या है? बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल वैल्यू जो इस पर्टिकुलर जोन में रहती है, उसके वजह से होता क्या है, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है. दीज आर लॉन्ग लास्टिंग स्लो टाइप कैल्शियम चैनल्स. ये यहाँ पे ट्रिगर होता है और यहाँ पे आते आते वक्त वो कैल्शियम आयन्स के चैनल जो है पूरी तरह वो गेट्स ओपन हो जाते हैं. टेक अ पॉज. फेज वन यहाँ पे खत्म हो गया, इफ्लक्स खत्म हो गया, इससे ज्यादा और डाउन साइड नहीं जाएगा. और ये लाइन अगर सीधी मेंटेन रहती है तो वो क्योर रहती है, बिकॉज ऑफ इन द सेकेंड फेज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन्स, जिसके वजह से ये ग्राफ जो है पॉजिटिव साइड में मेंटेन रहता है. और यहाँ पे मेंटेन रहता है, मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मीन्स इट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. एंड दैट्स वाई द वर्ड यूज इज द प्लेटिव. वाई दैट प्लेटिव फेज इज ऑब्टेन्ड? बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. और हो कैसे रहा है? थ्रू द एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. तीन टाइप के कैल्शियम चैनल से वोल्टेज गेटेड, L टाइप, N टाइप एंड T टाइप. आई विल ट्राई टू प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, इट मे बी रिटन हियर और हियर, ठीक है. L टाइप, N टाइप एंड द T टाइप. L रेफर्स टू लॉन्ग लास्टिंग, T रेफर्स टू ट्रांजिएंट, N रेफर्स टू द न्यूरल, ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे क्या हुआ? कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ. नाउ हियर व्हाट हैपेंस एट द सेम टाइम्स इनसाइड द हर्ट सेल्स, ठीक है, ये जो सेल हम कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसमें कैल्शियम स्टोर रहता है और इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स. सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड कैल्शियम सम इंटरनल कैल्शियम इज ऑल्सो रिलीज, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम सबको पता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म हमें याद रहे ना रहे, पूरा 6th हम बता सके ना बता सके, इतना पक्का सबको पता होता है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ कैल्शियम एसोसिएटेड एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन. ये चीजें फिक्स है. तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे इमेजिन कर सकता हूं, अगर ये सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड एसोसिएटेड एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन. बट व्हेन इट विल बी स्टार्टेड हियर. इतना समझ में आया? सो जो जरूरी कैल्शियम होता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए वो फेज टू में अवेलेबल होता है एंड इट इज द प्लेटिव फेज. ओके, आगे चलते हैं. नाउ सपोज कॉन्ट्रेक्शन हो गया, उसके बाद में एक और ये होता क्या, ये ज्यादा देर तक ओपन नहीं रहते कैल्शियम चैनल्स. आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स क्लोजिंग. उसके बाद में ये कौन से टाइप के थे? दीज वेयर ऑल्सो वोल्टेज गेटेड, बट ये इनफ्लक्स के लिए थे. एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वोल्टेज अनादर कैल्शियम चैनल्स ओपन, बट दीज आर फॉर द इफ्लक्स, यानी इंट्रा सेलुलर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए जो चैनल्स ऑपरेट होते हैं वो अभी एक्टिव हो जाएंगे. अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मैंने बोला था कि कैल्शियम दो जगह से आ रहा है, फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
सो हिसाब बराबर होना चाहिए। एक चैनल जो है दैट इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और एंटीपोर्टर और एनसीएक्स एंटीपोर्टर, ये ऑपरेट करता है मेम्ब्रेन पे, ये करेगा एक्चुअल इफ्लक्स यानी सेल के बाहर कैल्शियम को फेंकना। ओके एक बात हुई। और दूसरा जो चैनल है सार्कोप्लाज्मिक एंडो सॉरी सार्कोलेमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस, ये क्या करेगा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्टोर हाउस है उसमें कैल्शियम को फिर से अंदर भेज देगा। यानी अगर मैं ये सेल कंसिडर कर रहा हूँ, ओके ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये जो कैल्शियम था साइटोसोल में, ठीक है, इसे फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुश किया जाएगा और जो सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन था साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सब होता है फेज थ्री में वेयर कैल्शियम लेवल्स आर डिक्रीज। इतना समझ में आया? नाउ एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन द फोर्थ फेज हियर द पोटेशियम इफ्लक्स ऑकर्स। ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन को धीरे 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 कम अमाउंट में बाहर फेंकते चलो, यानी हो सके उतना नेगेटिव वैल्यू, यानी जो इसका एंड मतलब एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है, -90 mV जो कुछ भी होगा वो रीच करने का है, तो वो एक्टिविटी फोर्थ फेज में होती है। ये था इसका रफ ओवरव्यू। अभी ये जो चैप्टर है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है दैट इज द डिजिटलिस, इसको अगर समझ के लेना है तो आपको ये चैनल समझने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे फेज वाइज आपको प्रेजेंट किया था, थोड़ा सा चैनल पे आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कौन से सोडियम चैनल्स ओपन हुए? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जिसके वजह से हमें ये पॉजिटिव एक स्पाइक मिला। पॉजिटिव स्पाइक माने सडनली पॉजिटिव की तरफ चले गए ग्राफ। उसके साथ में इनफ्लक्स के लिए कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए जिसकी वजह से कैल्शियम आया। एट द सेम टाइम सेल के इनसाइड से भी कुछ स्टोर्ड कैल्शियम रिलीज हुआ। ठीक है, वो कहां से हुआ? फ्रॉम द सार्कोलेमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी ये बाहर आ रहा है तो ये डिफ्यूजन के वजह से नहीं आता कैल्शियम। ठीक है, इसमें से जो कैल्शियम साइटोसोल में आ रहा है तो दैट इज कमिंग थ्रू द चैनल्स रेनोडिन रिसेप्टर्स विद द एक्टिवेशन ऑफ रेनोडिन रिसेप्टर्स एंड IP3 रिसेप्टर, ये एक्टिव होने के वजह से वो कैल्शियम बाहर आता है। ओके नाउ इसके बाद में ये था फेज टू के लिए। फेज थ्री में हमने क्या किया? साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया। कैसे? थोड़ा बहुत सेल के बाहर फेंको, थोड़ा बहुत सार्कोप्लाज्मल एंडोप्लाज्मिक में अंदर पुश करो। तो दो चैनल्स यूज किए, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंड सार्कोलेमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस, ये सेल के बाहर फेंकेगा, ये सेल के अंदर जो SER है उसमें पुश करेगा। सम हाउ दिस टू विल वर्क टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल्स एंड स्पेशली द साइटोसोलिक वंस। इतना समझ में आया? अभी इन दोनों पंप में से ये जो था ये था सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, यानी सोडियम अंदर आएगा कैल्शियम बाहर जाएगा। बट हम ये सब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? टू डिक्रीज द पोटेंशियल वैल्यू। अगर आप कैल्शियम बाहर फेंक के सोडियम अंदर ले रहे हो तो यानी पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, तो उसका रिजल्ट तो ये ग्राफ और पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, बट ऐसे हो रहा है क्या? नहीं। तो क्यों का आंसर आता है ये। सो इसको बैलेंस करने के लिए जो पंप ऑपरेट होता है वो है सोडियम पोटेशियम ATPase। ठीक है, एंड नाउ दिस वन इज द टारगेट ऑफ डिजिटलिस जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड दीज आर द थ्री एसेंशियल पंप्स यू हैव टू कंसीडर व्हाइल स्टडिंग द एक्शन पोटेंशियल डायग्राम। नाउ अभी थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये पूरा चैप्टर जो है इसके लिए ये फेजेस और आयनिक ट्रांसपोर्ट एसेंशियल है। फेज टू में क्या हो रहा था? कैल्शियम का इन्फ्लक्स, एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग? द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बोर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे। एक्शन पोटेंशियल मीन्स क्या है? इट इज द एक्साइटेशन ऑफ सेल। यहां तक समझ में आया? एक्साइटेशन होने के बाद में फेज टू में क्या मिला आपको? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
एक्साइटेशन होने के बाद में मिला आपको कॉन्ट्रेक्शन, एंड देयर इज वन फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट नोन एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग, जो हम अभी यहां से आगे डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ हमने देखा व्हाट वाज द एक्शन पोटेंशियल, एंड आई होप कि जो आयंस का हिस्सा था दैट सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, उसने आपको कंफ्यूज ना किया हो। नाउ वी नो व्हाट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, और हम इस सेक्शन में वही देखेंगे। नाउ वेयर दिस एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ऑकर्स, द आंसर विल बी द मसल फाइबर। ठीक है, कि आपने ये वीडियो भी देखा होगा थोड़ी देर पहले, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट दैट इमेज ऑल्सो। ठीक है, सो हियर फॉर यू दैट मसल फाइबर इज प्रेजेंटेड, एंड हियर द एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग ऑकर्स। अभी एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग समझने के लिए आपको एक्शन पोटेंशियल का भी नॉलेज चाहिए, और ये जो कंपोनेंट्स है ऑफ मसल फाइबर विद सार्कोलेमा और दैट मेम्ब्रेन रेटिकुलम पार्ट और द माइटोकॉन्ड्रिया और द मायोफिलामेंट, ठीक है, दिस फोर कंपोनेंट्स यू शुड बी वेरी वेल नोन। ठीक है, अभी इसके बाद में जब मुझे चार कंपोनेंट बताने हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करूंगा। पहले जो मसल फाइबर है, ठीक है, मायोसाइट का जो एक इम्पोर्ट मसल फाइबर रहता है एक सिंगल यूनिट, तो उस सिंगल यूनिट में अबाउट 40-60% पार्ट इज कम्पोज ऑफ मायोफिलामेंट। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा मेजोरिटी इसकी रहती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है अबाउट 30%। अगर मैं इसकी 40 या 60 और 30 लगभग हो जाता है 90% पार्ट, यानी मायो मसल फाइबर में कुछ ज्यादातर कुछ चीज रहती है, तो वो है मायोफिलामेंट और माइटोकॉन्ड्रिया, और बचा कुछ मटेरियल आएगा फिर अपना रेटिकुलम वाला पार्ट या फिर वो मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, सो नाउ स्ट्रक्चर अगर देखे तो ये दोनों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। After this, the remaining part, अगर आप 40 consider करते हो या 50 consider करते हो, तो remaining part will be the sarcoplasmic reticulum. It will be always under the under 20%. ठीक है? Now, इनके नाम अगर ठीक से देखें, it is the sarcolemma or the sarcolemmal membrane, then sarcoplasmic reticulum. अभी ये दोनों words के वजह से आपने observe भी किया होगा, कुछ last 10 मिनट पहले जो हम discuss कर रहे थे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि SER को क्या कहे, इट इज सार्कोलेमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सिर्फ इसे कह सकते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट वन मोर नेम व्हिच इज यूजुअली यूज्ड इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ ये चारों भी हिस्से मैंने आपको प्रेजेंट किए, यू आर लुकिंग इन द इमेज ऑल्सो। ठीक है, मैं अगर मार्कर्स के हेल्प से आपको अगर प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, कंसिडर दिस फोर मार्कर्स। ठीक है, अभी ये मैंने मेरे हाथ में इसे पैक कर दिया है, 1, 2, 3, 4 मार्कर्स रिप्रेजेंट्स द मायोफिलामेंट्स। ठीक है, अब समवेयर इन बिटवीन दिस देयर इज अ वन ग्रीन कलर पार्ट, ठीक है, जो एक लेयर फॉर्म में रैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दैट रिप्रेजेंट्स द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये जो सार्कोलेमा है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, अंदर रहेंगे मायोफिलामेंट्स। अभी हम मायोफिलामेंट्स को और डिवाइड करेंगे आगे चल के, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लेयर के नीचे एक फोल्डेड वाला पार्ट रहता है, वो रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो इन सिमिलर टाइप इज प्रेजेंट देयर, और मायोफिलामेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ के लेना है, इफ दिस इज द रॉड शेप मसल फाइबर, ठीक है, ये रॉड शेप मसल फाइबर बनेगा ऐसा, आउटर मोस्ट लेयर विल बी द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, और ये पूरा बन के बनता है मसल फाइबर, और इसके ऊपर से फिर आपके कवरिंग्स आते हैं। इतना समझ में आया? एक्शन पोटेंशियल की जो एक वेव रहेगी, जिसे डीपोलराइजेशन वेव भी कहा जाता है टेक्निकली, ये डीपोलराइजेशन वेव, ये वर्ड समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट विल शो योर एक्सपर्टीज ओवर दिस सेक्शन। सो डीपोलराइजेशन वेव रन्स ओवर दिस सार्कोलेमल मेम्ब्रेन, ये जो मेरा ऊपर का हाथ का आउटर सर्फेस आएगा ना, वहां से डीपोलराइजेशन वेव रन करेगा, बट इट विल बी इन साइड द मसल फाइबर। मसल फाइबर्स मतलब एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल,
इसको एक रैपिंग आएगी ठीक है टिश्यू की, एंड दैट विल बी मतलब इसके वजह से जो एक डिपोलराइजेशन वेव रन करेगा दैट विल बी इनसाइड द मसल फाइबर बट ओवर द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। सार्कोलेमल मेम्ब्रेन के साथ में रहते हैं टी जंक्शंस या फिर उसे या उसे कहेंगे आप गैप जंक्शंस, जिसके वजह से इंटर सेलुलर कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है ठीक है। आई थिंक टी जंक्शन वर्ड इज ऑल्सो यूज। सो ये सब थे इसके कंपोनेंट मायो फाइबर के ठीक है, या फिर आप इसे मसल फाइबर भी कह सकते हो। वन बाय वन वी विल डिस्कस देम। देखो शॉर्ट में इसका इंपॉर्टेंस आपको प्रेजेंट करता हूँ दैट सार्कोलेमा इज द आउटर मोस्ट लेयर। पहला वर्ड आपको समझ के लेना है ठीक है, सार्कोलेमा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सेकंड वन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम ठीक है, ये इसका रोल हुआ। थर्ड वन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस जो एटीपी का सोर्स प्रोवाइड करता है। द फोर्थ वन द मायोफिलामेंट विच इज द कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी। चार वर्ड बताए, चारों के रोल भी बताए। सार्कोलेमा आउटर मोस्ट लेयर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोर हाउस, मायोफिलामेंट कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी, माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है। ये बहुत ब्रीफ है जो जीपैट में पूछा जाता है ठीक है, इट विल बी आस्क्ड समवेयर, कहीं ना कहीं तो ये पूछा जाएगा आने वाले साल में। नाउ ये क्वेश्चन अगर घूम फिर के कहीं से आता है फ्रॉम द एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू और द पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, एट दैट टाइम ये पूरा जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और तब कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम इसे इसका बैकग्राउंड भी कवर करते हैं। काफी इजी है, इट विल बी इजी टू अंडरस्टूड। सार्कोलेमा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल फाइबर ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा उसका आउटर मोस्ट लेयर रहेगा। आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो सेल का, बट यू हैव टू यूज द वर्ड सार्कोलेमा और द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इट डू, इट डूज द आयोनिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब हम जो डिस्कस करते हैं ना, सोडियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अक्रॉस किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, तो दैट विल बी द सार्कोलेमल मेम्ब्रेन। नाउ कैसे होगा, अगेन वोल्टेज गेटेड सोडियम या कैल्शियम चैनल्स रहेंगे, फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर एंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ये सब भी कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवर द सार्कोलेमा। और डिजिटलिस जो हम ड्रग डिस्कस करेंगे उसका टारगेट क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम भी बोल सकते हैं, या इसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी बोल सकते हैं ठीक है। दिस विल बी द टारगेट ऑफ डिजिटलिस, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट ओवर दिस आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम क्या है, सार्कोलेमा और सार्कोलेमल मेम्ब्रेन ठीक है। सो इसीलिए बुक में वर्डिंग यूज की जाती है कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्टर और प्रोटीन प्रेजेंट ओवर द सर्फेस, ये तीन टाइप की वर्डिंग इसके लिए यूज की जाती है, विच इज द टारगेट ऑफ डिजिटलिस। अब ये इसका लोकेशन अच्छे से समझने के लिए आपको इनको समझ के लेना जरूरी है। नाउ मैंने सार्कोलेमा के बारे में बता दिया आपको, नेक्स्ट वन इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम ठीक है। अभी ये कहां पे प्रेजेंट है, इट इज द फोल्डेड कंपार्टमेंट, मीन स्टोर हाउस है, मीन से कंपार्टमेंट रहेगा प्रेजेंट इन फोल्डेड मैनर इमीडिएटली बिलो द सार्कोलेमा ठीक है, इमीडिएटली उसकी प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सार्कोलेमा। नाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तीन स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डिवाइड किया है ठीक है, इट इज द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, टर्मिनल सिस्टर्ने, लॉन्जिट्यूडिनल एंड कॉर्बुलर और ट्यूबुलर पार्ट ठीक है, तीन नाम आपको दिए है। नाउ ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत क्यों है, ये अभी आपको समझ में आएगा। जब हम फेज टू को डिस्कस करते हैं उसमें कहते हैं कि फ्रॉम इनसाइड द सेल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस द कैल्शियम ठीक है, विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, तो ये इन तीनों भी हिस्सों में से अगर कहीं से रिलीज होता है तो दैट विल बी द टर्मिनल सिस्टम। कैल्शियम रिलीज करने के लिए दो चैनल्स रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, कैल्शियम रिलीज करने के लिए दो चैनल्स रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट, वो है रेनोडिन रिसेप्टर एंड आईपी3 रिसेप्टर्स, विच इज लोकेटेड
ओवर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर इन द टर्मिनल सिस्टर्न पार्ट। इसका काम क्या रहेगा? कैल्शियम रिलीज करना इनटू द साइटोसोल। सेकेंड वन द लॉन्जिट्यूडिनल सिस्टर्न। अभी फेज टू एंड होने के बाद में हम क्या करते हैं, कैल्शियम बाहर का कैल्शियम बाहर जाएगा, अंदर का कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर आ जाएगा। तो ये था रिलीज के लिए एंड अपटेक के लिए है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर कैल्शियम एटीपीएज। यस आर कैल्शियम एटीपीएज ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवर द लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट। इसका काम क्या है? कैल्शियम फिर से वापस अंदर ले लेना, ठीक है, ओवर द साइटोसोल। इतना समझ में आया? नाउ जब हम कहते हैं कि कैल्शियम का ये स्टोर हाउस है, तो सी यू आर स्टडिंग द जीपैट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कैल्शियम का स्टोर हाउस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये मेरा नॉलेज है। अगर वो स्टोर हाउस है तो कैल्शियम अंदर आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है या सोल्यूबलाइज फॉर्म में प्रेजेंट है या ग्रैनुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। दैट विल फॉर्म योर बायोकेमिकल बेस ऑफ द सब्जेक्ट। कैल्शियम स्टोर्ड इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द बाउंड फॉर्म टू द प्रोटीन कैलसिक्वेस्ट्रिन। अभी ये पॉइंट यहाँ पे आपको स्ट्राइक करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यूनिट वन जो है आपका फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके बाद में सेकंड यूनिट में शायद ब्लड एंड रिलेटेड थिंग्स विल बी देयर, ट्रांसफेरिन, कोबालामाइन एक्सेट्रा, ये चीजें आने वाली है आपको आगे चल के। सो यहाँ पे जस्ट एक एडिशनल पॉइंट डालने के वजह से आपका एक पूरा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट कैल्शियम स्टोर्ड इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द बाउंड फॉर्म टू द कैलसिक्वेस्ट्रिन। नाउ ये प्रोटीन है, ठीक है, अमाइनो एसिड काउंट आपको देखना है। हियर फॉर दिस प्रोटीन टू इंपॉर्टेंट फीचर्स आर गिवन। इट हैज लो एफिनिटी टुवर्ड कैल्शियम बट इट पजेस हाई कैपेसिटी। मेरा रोल यहां तक है, बट ये दोनों एडवांटेज क्यों है ये आपको डेवलप करना है, और इसे कहेंगे हम नॉलेज डेवलपिंग प्रोसेस। लो एफिनिटी होने की वजह से क्या बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, और हाई कैपेसिटी होने की वजह से क्या बेनिफिट हो रहा है, ये आपको कंक्लूड करना है। माय रोल इज फिनिश्ड। दिस वाज अबाउट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड पॉइंट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 30% कैपेसिटी है इस पूरे हिस्से में, ठीक है। 30% अगर शेयर दिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा। दैट इंपॉर्टेंट रोल इज एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। हर्ट को कंटिन्यूअसली काम करना है 24/7। आपका ब्रेन एक बार काम करना बंद कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेक्चर के वक्त या सोते वक्त, ठीक है, या कुछ और करते वक्त, ये नहीं चलता। यहाँ पे आपके हर्ट को काम करना ही पड़ता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट विल नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट ऑक्यूपाइंग अबाउट 30% ऑफ द सिंगल सेल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैन अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन, दे हैव देयर ओन डीएनए आल्सो, ठीक है। जरूरत के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक काउंट रहता है इनसाइड द सेल चेंज होते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे तो ज्यादा सोर्स की जरूरत है, तो डेफिनेटली इट कैन इंक्रीज इफ इट इज नीडेड। नाउ अपार्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ कैल्शियम, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैल्शियम स्टोर हाउस, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फीचर है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको आप सेमेस्टर के थ्योरी आंसर शीट्स में यूज करें। ये काफी नई चैलेंजिंग थिंग हाल फिलहाल में उभर के आई है। मेनी रिसर्च पेपर्स आर टारगेटिंग ऑफ रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर दिस आल्सो। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम समवेयर इन बिटवीन द फेज वन एंड टू, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल वाली और हायर चीज हो जाएगी, आप इसे स्किप भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दो चीजें आपको याद रखनी है। मैंने तीन पॉइंट्स बताए, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द फोर्थ वन इज द मायोफिलामेंट विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ द मायोसाइट। मायोसाइट्स या मसल फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो किस कंपोनेंट के वजह से होते हैं? दैट इज ड्यू टू द मायोफिलामेंट, और ये लगभग 40-60% है। यानी अगर आप मायोसाइट को मायोफिलामेंट के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो, यानी यही मायोसाइट को बनाता है, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरी सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और उसके वजह से
इस मसल फाइबर में ये चारों ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड देयर अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज फेवरेबल फॉर दिस एक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा अगर हम उन चीजों को यहाँ पे कोरिलेट करने लगे तो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी। इसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है सार्कोमियर। मायोफिलामेंट का कुछ फंडामेंटल यूनिट है जिसके वजह से मायोफिलामेंट बनता है, तो दैट विल बी द सार्कोमियर। सार्कोमियर इससे पहले हमारे लेक्चर्स में आके गया है एट द टाइम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। प्री लोड के वक्त जो स्ट्रेच होता है ना वॉल्स पे, सेंसिंग मैकेनिज्म रहता है हर्ट वॉल का, दैट इज फॉर्म बाय द सार्कोमियर। और सार्कोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट इज ओवर द मायोफिलामेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके बेसिक्स के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर टू द चैप्टर। ये समझ में आया, इट इज द फंडामेंटल यूनिट। बट द थिंग विच इज फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी इज द मायोफाइब्रिल्स एंड ट्रोपोनिन्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स के दो टाइप्स है यहाँ पे, एक्टिन एंड मायोसिन, विच इज प्रेजेंट इन साइड द मायोफिलामेंट। नाउ एक्टिन मायोसिन का कैल्शियम के साथ में इंटरेक्शन होता है, दे फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज जिसके वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है, नाउ अब ये कैसे होगा हम इसके ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट फॉर दिस एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन टू ऑकर सो एज टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, सो एज टू अंडरगो द कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, इसको लगेगा ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन के तीन फॉर्म्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, तीन टाइप्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है इट इन्वॉल्व्स एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन सी, इसको बन के बनता है, इसको लेके बनता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स एंड दैट विल अंडरगो द कॉन्ट्रेक्शन। नाउ जब रिलैक्स फॉर्म में रहती है मसल एट दैट टाइम टू द एक्टिन ट्रोपोनिन आई इज बाउंडेड। ठीक है, आई बाउंड होता है एक्टिन को और बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग इट क्रिएट्स द स्टेरिकल हिंड्रंस इन द इंटरेक्शन जिसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। एज सुन एज यहाँ पे सी को कैल्शियम बाउंड करेगा, आई विल बी रिप्लेस बाय सी, इट विल फेवर द इंटरेक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जिसके वजह से आपको कॉन्ट्रेक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ये सब था एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग के बारे में। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ये पूरे हिस्से को स्किप ना करें और ठीक से समझ के लें। ठीक है, द मोस्ट एब्सोल्यूट बेसिक, जो एक इंपॉर्टेंट बेसिक कहीं पे फॉर्म होता है पूरे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग का, तो वो यहां से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑफ मसल्स। इन द लास्ट स्लाइड वी हैव सीन द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, उसमें जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स थे वो हमने देखे। अभी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता कैसे इन एसोसिएशन विद द आयंस वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग इनटू दिस पार्ट, तीन आयन्स इसमें इन्वॉल्व है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। ये पहली बात आपको समझनी है। दूसरी बात, ये जो नीचे वैल्यूज दिए है यूनिट्स, दैट रिप्रेजेंट द इंट्रा सेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ठीक है, सोडियम के लिए आएगा मिली मोलार, फॉर कैल्शियम इट विल बी नैनो मोलार एंड फॉर पोटेशियम इट विल बी अगेन मिली मोलार। इट मीन्स सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स ज्यादा रहते हैं इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू द कैल्शियम। कैल्शियम इज ऑलमोस्ट इक्वेलेंट टू अबाउट द नैनो मोलर क्वांटिटीज। इतना समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है जो पूरे स्क्रीन पूरे बोर्ड पे आपको लगने वाला है। नाउ कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से होती है, सो आई विल से इनिशियली व्हाट हैपेंस, एल टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन्स। पहली चीज ये हो गई, फिर उसके वजह से कैल्शियम सेल के अंदर आया। ठीक है, बट उससे पहले जो कैल्शियम का इंट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन था दैट वॉज अबाउट बिलो द 100 नैनो मोलर। 100 नैनो मोलर से भी कम क्वांटिटी में इंट्रा सेलुलर साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट करता है इन कंपैरिजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। ठीक है, जहां पे सेल के बाहर, दैट मायोसाइट के बाहर कॉन्सेंट्रेशन रहता है अबाउट 10^6 नैनोमोलर क्वांटिटीज, यानी दिस 10 लैक्स अबाउट। यहाँ पे सेल के अंदर कितना है,
100 से भी नीचे बाहर कितना है 10 लाख से ज्यादा, यानी आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो कैल्शियम के लेवल इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं। जो इनिशियली 100 या 100 से नीचे था कॉन्सेंट्रेशन, अभी ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होने के वजह से क्वांटिटी जाती है अबाउट 200 नैनोमोलर। टेक अ पॉज, पहले 100 था, अब कितना हुआ 200। नाउ इसके बाद में हम बोलते हैं कि सेल के अंदर जो स्टोर से वहां से भी कैल्शियम रिलीज होता है, बट ये होता कैसे है? तो उसका आंसर आएगा द मैकेनिज्म इज कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। ओके, ये मेथड वहां पे ऑपरेट होगी। और कैल्शियम रिलीज कहां से होगा? इट विल बी रिलीज फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स दैट विल बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ अभी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूट होती है कॉन्ट्रेक्शन के वक्त एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर, यानी सेल के बाहर से 100 आया था, पहले 100 था, बाद में 200 आया, यानी 100 बाहर से आया, तो जो टोटल क्वांटिटी बनती है उसमें ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नाउ पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर कैल्शियम रिलीज होता होगा तो कौन से स्ट्रक्चरल हिस्से से होता है, और अगर फिर से अपटेक होता होगा तो कौन से हिस्से से होता है। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलीज प्रोसेस, टू रिसेप्टर्स विल बी इन्वॉल्व देयर, ठीक है, दैट विल बी IP3 रिसेप्टर एंड रेनोडिन रिसेप्टर, जहां से ये रिलीज होता है। अभी इसके बाद में द कैल्शियम लेवल्स विल रीच टू द वैल्यू अबाउट 500 नैनोमोलर, ठीक है, यहाँ पे मिलीमोलर क्वांटिटी थी, यहाँ पे नैनोमोलर क्वांटिटी, ये वैल्यू इतनी रीच होती है, मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है 300 नैनोमोलर क्वांटिटी में, ठीक है, 100 यूनिट्स पहले से थे, 100 यूनिट्स बाहर से आए, 300 यूनिट हमने यहाँ से लिए, टोटल हो गए 500 नैनोमोलर क्वांटिटी। नाउ द कैल्शियम लेवल इज वेरी मच इंक्रीज, दिस कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन सी, दिस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स अलाउज द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, जिसके वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है। जब हम कहते हैं कि एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन होता है, इट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन मायोफाइब्रिल्स। समझ में आया? यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, और ड्यूरिंग दिस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन दैट लेंथ डिक्रीजेस, मायोफाइब्रिल्स की लेंथ डिक्रीज होती है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, नाउ अभी यहां से आगे हम बढ़ेंगे रिलैक्सेशन की तरफ, बट एक इंपॉर्टेंट नोट है, वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन वाइज कैलकुलेशन इतना जरूरी नहीं है, बट कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यूज का खेल आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेक इट इजी, बट हो क्या रही है प्रोसेस वो समझना जरूरी है। अभी कॉन्ट्रेक्शन के बाद में हम जाएंगे रिलैक्सेशन की तरफ, जब टोटल साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन 500 नैनोमोलर रहता है और एक पोटेंशियल वैल्यू रीच हो जाती है या मेंटेन रहती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल डिक्रीज करने की प्रोसेस शुरू होती है। कैल्शियम लेवल डिक्रीज कैसे करेंगे? या तो आप फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुश करेंगे, या फिर सेल के बाहर पुश आउट कर देंगे, ठीक है, उससे उसके मदद से आप कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज कर दो। कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, दैट कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन सी का कॉम्प्लेक्स जो था वो ब्रेक हो जाता है। Now, instead of troponin C, the another troponin which binds with the actin is the troponin I. Troponin I के interaction के वजह से ये जो interaction हो रही थी वो break हो जाती है, और जो cross bridge form हुआ था, now there will be dissolution or breaking of cross bridge. And instead of cross bridge dissolve होने के वजह से you will have the relaxation. ये है इसकी प्रोसेस। नाउ अभी हम वो चीज के तरफ जाएंगे जिसे कंट्रोल या केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, दैट इज द कैलकुलेशन वाइज। हमने टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया कैल्शियम का 500 कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। नाउ अभी ये क्वांटिटी हमको कम करनी है अप टू द नॉर्मल लेवल विच इज 100। इंट्रा सेल्यूलर स्टोर से कितना आया था 300, तो 300 वापस कौन ले लेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर कैल्शियम। ओके, मम्मी
इधर आ इधर आ। अरे इसका 300 इसने वापस ले लिया। अभी बचे कितने? 200। 200 में से 100 बाहर से लिए थे हमने एक्स्ट्रा सेलुलर से, ठीक है। यहां से कितना आया था? 100। नाउ द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर विल पुश क्वांटिटी आउटसाइड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू विच वी हैव टेकन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स इट विल पुश अबाउट 100 नैनोमोलर क्वांटिटी आउटसाइड। बचा कितना? सिर्फ 100, ठीक है। मीन्स नॉर्मल लेवल पे वापस आ गया। अभी मीन्स हमारी नॉर्मल लेवल मेंटेन हो गई, ठीक है। अभी यहां से आपको समझना क्या है कि ये जब हम 100 बाहर भेज रहे थे टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो ये कैसे हो रहा था? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, यानी कैल्शियम बाहर देने का, सोडियम अंदर लेने का, ठीक है। एक हाथ से दे, एक हाथ से ले, एंटीपोर्टर इसे कहते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कैल्शियम की बाहर पुश करते थे हो, तो सम क्वांटिटी अबाउट इन 140, ठीक है, आप यूनिट क्रॉस चेक कर लो, इट इज नैनो मोलर 140 टेकन इनसाइड, ओके। नाउ अभी ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन से, हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसे बाहर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सचेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, यानी कैल्शियम को कम करने के लिए हम ये पंप यूज करते हैं, इसके वजह से सोडियम अंदर आता है, सोडियम को बाहर भेजने के लिए हम ये पंप यूज करते हैं, ओके। दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। नाउ पोटेशियम की लेवल्स काफी कम होती है इनसाइड द सेल, ठीक है, काफी कम रहती है। अगर आप सोडियम एक्सचेंज भी कर देते हो तो उतना पोटेशियम इनसाइड द सेल नहीं आएगा, ठीक है, नाउ उतनी क्वांटिटी वो नहीं बढ़ पाएगी, ये एक बात, ठीक है। अभी कैल्शियम के नॉर्मल लेवल्स कितने हैं सेल के इनसाइड में? अबाउट 100 नैनोमोलर क्वांटिटी, ये एक बात हुई जो कि आपने वहां पे मेंटेन की है। सेकंड थिंग यू हैव टू फोकस इज द सोडियम लेवल। सोडियम की कितनी है? 8 to 10 मिलीमोलर क्वांटिटीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, 8 to 10 मिलीमोलर, ठीक है। अभी ये सब होता है आपके नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में, ठीक है, इतना समझ में आया। यहां से आगे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम है डिजिटलिस। डिजिटलिस क्या करता है? इस पंप को इनएक्टिव करता है, ठीक है, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ठीक है, जिसे आप पंप भी कह सकते हो, कैटायनिक पंप, या फिर आप एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक है। नाउ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करने के वजह से क्या होगा? आप सोडियम बाहर नहीं भेज पाओगे, ये इसका पहला मीनिंग है, ठीक है। सोडियम बाहर नहीं भेज पाओगे तो फिर सोडियम के सेलुलर लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस आ रहा है कि सोडियम के लेवल्स अभी बढ़ रहे हैं। नाउ होता क्या है कि सोडियम लेवल्स अगर बढ़ते हैं तो आप ये पंप भी ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाओगे, मीन्स इफ यू आर गोइंग टू इनहिबिट दिस पंप, ऑटोमेटिकली दिस इज गोइंग टू इनहिबिट, ठीक है, ये इनहिबिट हो जाएगा। अगर सोडियम के लेवल्स आपके बढ़ गए हैं और ये पंप इनहिबिट हो गया तो कैल्शियम का एक्सचेंज ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, एक समवॉट X2YZ% तक ब्लॉक हो जाएगा, मीन्स आपके कैल्शियम के लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, ये एक बात है। नाउ अभी देखो आपका सोडियम बढ़ रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है, एंड नाउ पोटेशियम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पोटेशियम का लेवल इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है जितना सोडियम का होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे कैल्शियम के लेवल्स पे अफेक्ट होता है। तीन बातें कही मैंने, पोटेशियम के लेवल्स ज्यादा अफेक्ट नहीं होते, ज्यादा कौन अफेक्ट होता है? दैट इज द सोडियम लेवल्स। इसके वजह से प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे कैल्शियम के लेवल्स अफेक्ट होते हैं, यानी बढ़ना शुरू होते हैं। नाउ सोडियम लेवल्स ज्यादा होने के वजह से जो एक जीरो फेस था एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है, मैं इमेज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, दैट जीरो फेस ये काफी इजीली ऊपर तक चले जाती है, ठीक है, बहुत इजीली आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, बहुत इजीली। नाउ उसके बाद में ये मिलेगा आपको रैपिड रिपोलराइजेशन। देन नेक्स्ट थिंग, आपने कैल्शियम बढ़ा दिया या भी ड्रग देने की वजह से, तो प्लेटिव फेज इजीली मेंटेन्ड भी होगा
और एक इफेक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जो हार्ट फेल्यूर के केस में कम हो रहा था, ठीक है, जो एक इजेक्शन फ्रैक्शन था जो डिक्रीज हो गया था, हार्ट वॉल की इनइफिशिएंसी टू पंप द ब्लड ये रिलीव हो जाएगी। देन पोटेशियम लेवल्स कम होने की वजह से इफ्लक्स नहीं होगा, यानी जो एक डाउनवर्ड फॉल था फेज फोर का वो लिमिट में आ जाएगा। तो जो आपकी एक्शन पोटेंशियल डायग्राम ऐसी थी, नाउ इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, यानी ज्यादा निगेटिव तक नहीं जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज कैल्शियम लेवल्स ज्यादा होने के वजह से जो एक प्लेटिव फेज था सपोज यूनिट वन का, इट विल बी 0.9, ये जल्दी प्लेटिव फेज खत्म कर देगा क्योंकि कैल्शियम ज्यादा है आपके पास और वो इजीली अभी कॉन्ट्रेक्शन प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा एक्शन पोटेंशियल पे इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ डिजिटलिस एक्शन। एंड नाउ अगर आप ये ठीक से समझ पा रहे हो तो ये आपको अप्लाई करना है ओवर द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, जो कि हम डिजिटलिस के एमओए में पूरी तरह देखने वाले, ठीक है। तो ये सब था कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, यहाँ से आपको कंसेप्ट समझना है और अगर हो सके तो ही आप वैल्यूज के साथ खेलो, अदरवाइज यू कैन लीव दैट, ठीक है। आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव इनटू द डिजीज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। सो टिल नाउ वी हैव सीन व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, देन व्हाट इज मीन बाय एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड द डिसीज और द सिंड्रोम ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। मैं यहाँ पे आपको हार्ट फेल्योर के बारे में एक ओवरलुक प्रोवाइड करूंगा, बट इसमें एक चीज मिसिंग रहेगी, व्हाई वर्ड कंजेस्टिव इज यूज्ड एज द फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं हार्ट फेल्योर के बारे में मोस्ट ऑफ द चीजें बताता हूँ, बट कंजेशन क्यों और कहाँ पे क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट होता है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू। और इसके साथ में ही आपको पता चलेगा कि व्हाई वी बेयरली नीड द नाइट्रेट्स, मींस नाइट्रेट्स मेनस्टे बन जाता है कभी कभी कंजेशन के लिए, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपको समझ के लेनी है। नाउ हम चलते हैं हार्ट फेल्योर की तरफ, फिर से वो तीन लाइन वाली डेफिनेशन में यहाँ पे आपको बताता हूँ। हार्ट फेल्योर इज अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम, कॉम्प्लेक्स मतलब इधर का उधर का नीचे का ऊपर का सब मिला के एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज द हार्ट फेल्योर, इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम, ठीक है। अब ये दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर, स्ट्रक्चर यानी किसी टिश्यू या सेल या बंडल का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इंजुरी, और फंक्शनल मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, राइट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, दोनों भी वेंट्रिकल ठीक से काम नहीं कर रहे, वो आएगा वहाँ पे, एंड विच कॉजेस इम्पेयर्ड इन वेंट्रिकुलर फिलिंग और द इजेक्शन फ्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये चीज रिजल्ट होती है, मतलब जो दिक्कत आती बात, ये थी इसकी तीन लाइन की प्रोसेस। अभी इसके बाद में हम समझ के लेंगे इटियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड इवेल्युएशन। इटियोलॉजी मीन्स क्या, स्टडी ऑफ कॉज कि ये क्यों हुआ। पैथोलॉजी मीन्स अभी वो डिसीज प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो रहता है पैथोलॉजी में। नाउ नेक्स्ट वन इज द इवेल्युएशन, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये CHF है या एंजाइना पेक्टोरिस ही है, CHF तक आया नहीं अभी, या फिर MI है, MI में CHF का कन्वर्जन नहीं हुआ, एक थोड़ी बहुत चीजें रहती, वो इवेल्युएशन का पॉइंट यहाँ पे आता है। नाउ एंड एट द एंड देयर विल बी द क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मीन्स कॉज, स्टडी ऑफ कॉज, ये क्यों हुआ ये CHF का प्रॉब्लम, कौन से लेवल तक पहुंचा है, ये डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ CHF पे, ठीक है, कौन से टाइप का CHF है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी अभी जो मैं बता रहा हूँ, When you will have a normal levels of blood pressure and normal levels of preload, ठीक है, not the normal levels of working, means आप बैठे वाले हो, आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका हार्ट भी ज्यादा काम करेगा, बट यहाँ पे जो एक ब्लड प्रेशर या TPR की रेंज है वो एक नॉर्मल है, प्रीलोड भी नॉर्मल रेंज में, उसे हम कहेंगे नॉर्मल लेवल्स, यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद में आती है एबनॉर्मल लेवल्स, मीन जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल रेंज में नहीं है, या फिर आपका प्रीलोड जो है या आफ्टर लोड जो है इट्स समवॉट एबनॉर्मल, उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल लेवल्स। इन दो कंडीशंस में होता क्या है उसे आपको समझ में आएगा।
नॉर्मल लेवल्स में जब आप एक्सरसाइज करते हो या नॉर्मल लेवल्स में जब आप कोई स्टंट करते हो, ठीक है, किसी ज्यादा हाइट पे जाके सेल्फी लेने की कोशिश करोगे जो कि नहीं करना चाहिए, या फिर जो आपकी बाइक की यूजुअल स्पीड रहती है, 150 सीसी की बाइक होगी तो 110 के आगे नहीं जाएगा, 120 पे वो ब्लॉक कर देगा, तब तो आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं, ठीक है, जो हवा का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे आपकी कार्डियक सिस्टम वो प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है बट इतने स्पीड में नहीं जाने का। देन अगर आप सिंगिंग करने जा रहे हो स्टेज पे या परफॉर्म करने को जा रहे हो तो सबसे पहले तमाल भीती वाटते में नहीं जाना, ठीक है, एक बहुत इंस्टेंट रिप्लाई आ सब, ठीक है, या फिर किसी एचओडी के कैबिन में, प्रिंसिपल के कैबिन में जाना है तब आप सीधा नहीं बोल देते हो। तो यहाँ पे जो आपका एक हार्ट एग्जैगरेट होता है कार्डियक सिस्टम, तो वो कार्डियक सिस्टम उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, जो कुछ भी हो। ये हो गया आपका नॉर्मल लेवल्स, यहाँ पे आपका हार्ट फेल्यूर नहीं आएगा, इधर आते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लेवल्स, यानी आप बार बार किसी को तकलीफ दे रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है, वो पर्सन को हर जगह से प्रेशर, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और एक अंडरलाइंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इधर इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर और टोटल पेरिवल रेजिस्टेंस और द प्रीलोड। तो उस वक्त क्या होता है, योर कार्डियक सिस्टम बिकम्स मैल एडेप्टिव। ये नॉर्मल एडेप्टेशन है और ये मैल एडेप्टेशन है, मीन्स उसे गलत तरीके से उस कंडीशन को सर्वाइव करते जाना, ये सही तरीके से कंडीशन को सर्वाइव करना है और ये गलत तरीके से कंडीशन को सर्वाइव करना है, उसे कहेंगे मैल एडेप्टिव। इसमें होता क्या है, मायोसाइट, मीन्स जो हमारे हर्ट मसल की एक सिंगल सेल है मायोसाइट, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, उसके बाद में होगा उसके साथ एपोप्टोसिस, देन एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ, सेल डेथ के बाद में आएगा सेल रीजनरेशन एंड सेल रिमॉडलिंग, ठीक है। बट आपको ये लगेगा यार सेल मर रही है, नए फिर से बन रही है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है रिमॉडलिंग, एपोप्टोसिस फॉलोड बाय रीजनरेशन, रीजनरेशन फॉलोड बाय रिमॉडलिंग, यानी अब जो नई सेल आई है आप उसे नॉर्मल मायोसाइट नहीं कर कह सकते, इट इज समवॉट चेंज नाउ। तो ये रिमॉडलिंग होने की वजह से क्या होता है, लो कार्डियक आउटपुट, न्यूरो हॉर्मोनल चेंजेस एसोसिएटेड, एंड उसके बाद में इट लीड्स टू द वैस्कुलर चेंजेस, और ये बनाता है आपका हार्ट फेल्योर, जहाँ पे आपका मशीन, हार्ट मशीन काम नहीं कर रहा, वैस्कुलर सिस्टम चेंज हो रहा है, और जो न्यूरो हॉर्मोनल चेंजेस है, योर सिंपेथेटिक सिस्टम और पैरासिंपेथेटिक सिस्टम, उसका रिस्पॉन्स, उसका इन्फ्लुएंस, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट रीजनरेटेड और रिमॉडल्ड मायोसाइट, ठीक है, ये इसका पैथोलॉजिकल सीक्वेंस है। ये तीन कारनामे, हाइपरट्रॉफी, एपोप्टोसिस, रीजनरेशन, रिमॉडलिंग, कौन कर रहा है, हु इज गोइंग टू डू दिस थिंग्स, एंड द विलन इज एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 कहां से आएगा, यहां से, ठीक है। सो वॉल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मतलब जो मसल की रिजिडिटी कोई इसे देता है, तो वो एंजियोटेंसिन 2 है। डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम समहाउ, एंजियोटेंसिन 2 की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। सो हियर इज द प्रॉब्लम जिसे आप कहते हैं हार्ट फेल्यूर। अभी उसके काफी सारे टाइप्स है जो हम आगे चल के देखेंगे, अभी ये बहुत सुपरफिशियल है, ठीक है, आपके लेवल के लिए इतना सफिशियंट है, हम इससे डिटेल में भी जा सकते हैं बट वो काफी डेविएट हो जाएगा। इवैल्यूएशन मतलब आप देखोगे कैसे कि दिस इज द हार्ट फेल्योर, ईसीजी शायद स्क्रीन पे होगा या नहीं इसका पता नहीं, बट सेकंड वन दिस द एक्सरे, जो एक ग्रे कलर का पैची एरिया है उससे डायग्नोस किया जाता है कि दैट इट इज द हार्ट सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के केस में ये जा रहा है। आई एम नॉट द डॉक्टर टू प्रेडिक्ट हाउ, मतलब ये जो एक्सरे होगा उससे मैं बता सकूं कि ये पैच या ग्रे पैच जो रहता है उससे हम CHF कंक्लूड करते हैं, वो मेरे स्पेशलिटी नहीं, बट इट इज वन ऑफ द मेथड दैट यू कैन यूज फॉर द CHF। उसके बाद में आता है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में आपका लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाएगा, ब्लड में ट्रोपोनिन के लेवल्स चेक किए जाएंगे, देन ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड BNP। अब ये रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म है इसके तरफ, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना उसके अगेंस्ट ये एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म है, इनिशियल लेवल्स में, इनिशियल कंडीशंस में इसके लेवल रहते हैं। सो दिस थ्री मेथड्स आर यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ CHF, और कुछ नए मेडिकल एडवांसेस है इन एसोसिएशन विद द ECG, और उनका नाम लेना भी मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, वो हमारे सिलेबस के स्कोप के काफी बाहर है, ठीक है।
So after the evaluation, we will move towards the classification methods. ठीक है, ये general knowledge है, ठीक है, health science का. We are in the health science, ठीक है, don't forget that. और ये knowledge रखना हमारी primary moral responsibility रहती है, ठीक है. अभी जाएंगे हम classification methods की तरफ. Based on the location, यानी heart failure हो रहा है तो हर्ट के कौन से हिस्से से हो रहा है. अभी हर्ट फेल्यूर जनरली एसोसिएटेड विद द पंपिंग मैकेनिज्म. पंपिंग चेंबर्स कौन से है? वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है. सो लोकेशन के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एदर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हर्ट फेल्यूर और राइट वेंट्रिकुलर हर्ट फेल्यूर. और अगर किस्मत बहुत ही बुरी रही तो बाय वेंट्रिकुलर हर्ट फेल्यूर विल बी देयर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकेशन इट इज क्लासिफाइड. सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज टाइम, यानी कितने देर से आप ये सब फेस कर रहे हो, एक्यूट हार्ट फेल्योर और क्रॉनिक हार्ट फेल्योर. ड्यूरेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अभी आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन आई थिंक ज्यादा रहना चाहिए. फंक्शनल रोल, फंक्शनल स्टेटस इंस्टेड ऑफ रोल, यानी वेंट्रिकल्स काम कैसे कर रहे हैं फिलहाल. नाउ हियर फंक्शनल स्टेटस यानी इजेक्शन फ्रैक्शन कैपेसिटी, यानी वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट हो रहा है या फिर कम हो रहा है, ठीक है. बेस्ड ऑन दैट इजेक्शन फ्रैक्शन कैपेसिटी देयर आर टू टाइप्स. अभी एक सेक्शन ऐसा है इसमें हार्ट फेल्योर केस में जहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहता है या अराउंड द नॉर्मल रहता है. जहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन जो है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम कितना इजेक्ट हो रहा है ब्लड, इट इज प्रिजर्व्ड, ये नॉर्मल मेंटेन्ड. इन सम केसेस इट इज रिड्यूस्ड और बिलो एवरेज, ठीक है, ये सेकंड टाइप है. नाउ इन केस ऑफ नॉर्मल इट इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप आनी चाहिए, हार्ट फेल्यूर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. हार्ट फेल्यूर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी, ये सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसकी कैविटी जो है नॉट द वॉल्स, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी इज नॉर्मल, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ कैविटी में, ये 90 ml की कैपेसिटी थी, 90 ml मेंटेन्ड है, ठीक है. बट ये जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है, दिस वॉल बिकम्स थिक और द स्टिफ, वॉल रिजिड होती है, ओके, हाइपरट्रॉफी. नाउ इसके वजह से एक आगे एक पैरामीटर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल का मास इज टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, मास तो बढ़ता है बट कैविटी नॉर्मल है, ये नॉर्मल वैल्यू रहेंगी, इसकी बढ़ जाएगी, यानी जो रेशो का, ये जो रेशो रहेगा इसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है. नाउ अब ये होता क्यों है, हाइपरट्रॉफी इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली देयर विल बी दीज टू विलन्स, योर सिंपैथेटिक सिस्टम एंड RAAS. नाउ यहाँ पे क्या है कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड है, इट इज नॉर्मल और गुड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हाई आउटपुट फेल्यूर, ओके. अभी इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल पॉइंट आता है, इट डिमांड्स द नाइट्रेट, ये नाइट्रेट की डिमांड करता है. अपार्ट फ्रॉम द नाइट्रेट अदर मेडिसिन आर आल्सो एप्लीकेबल. यहाँ पे हमारा टारगेट इतना समझ के लेना है, अगर नाइट्रेट्स वाला हिस्सा नहीं भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है तो चलेगा, बट यहां तक आपको समझना है. इसके बाद में है रिड्यूस्ड और द बिलो एवरेज लेवल्स, जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है वो रहेगा हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. क्या कहा मैंने, हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. इसमें क्या होता है, अलोंग विद द वेंट्रिकुलर कैविटी, ठीक है, कैविटी तो डायलेट होती है, ठीक है, डायलेट मतलब लूज पड़ गई है मसल, मीन्स उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही, एट द सेम टाइम ये जो मास रहता है वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, एंड ओवरऑल देयर विल बी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सिर्फ वो बढ़ता है बट इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होता है, यानी कैविटी बढ़ने के वजह से ज्यादा ब्लड आएगा इसमें डायस्टोल के वक्त, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, बट वो मसल उतना कंप्रेस करके उसे आगे पुश ही नहीं कर पा रहा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली होते जाती है आगे, जिसके वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीडोमिनेंटली इसमें ज्यादा रहता है. एंड हियर इट इज ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली ये दो चीजें इन्वॉल्व थी, यहाँ पे ये चीज ज्यादा इन्वॉल्व है, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शनिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने की वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज लो आउटपुट फेल्यूर. नाउ
फॉर दिस यू कैन यूज द अदर मेडिसिंस ऑल्सो। अभी होता क्या है कि दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू नोट डाउन, अभी एक स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा, ये आपको पूरा मेकआउट करना है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक आपको खुद इस पे नोट्स बनाने। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द हार्ट फेल्योर एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई कंजेस्टिव वर्ड इज यूज्ड। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ हार्ट फेल्योर। थैंक यू।